अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ ठीक है? सलाम। इन्ना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وقرأ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं या अक्ल जो महो परमी का खेलती है शिकार शरीक शोरिश यजदा नहीं तो कुछ भी नहीं वसीउल अल्फाज हजरत सदर मोहतरम अजीजी नाजिम इजलास और डाइस पर तशरीफ फरमा मुअज्जज़ उलमाए किराम दूर दराज और कुर्बो जवार से आए हुए मोहतरम सामईन और सामियात, आज का ये इजलास और इजलासों से अलग है। आज की ये कॉन्फ्रेंस और गुजरी हुई कॉन्फ्रेंसों से अलग थलग है। इसका इंतज़ाम व इंसराम, इसका तौर तरीका बड़े मुनासिब और अच्छे ढंग से यहाँ के लोगों ने मुनाकिद किया है, मेहनत की है और अजीम शख्सियात को मदऊ किया है। हम तमाम हजरात इसीलिए यहाँ आए हैं, ये इजलास भी एक मदरसा है, मदरसे में बच्चों की पढ़ाई होती है, तो यहाँ बूढ़े जवान शरीफ अमीर गरीब वजी छोटे बड़े
सबकी तालीम होती है। समाज में जो बुराई फैल जाती है, समाज में जो तारीकी छा जाती है, समाज में जब सुकून और इत्मीनान गारत हो जाता है, इंसान बेचैन हो जाता है, तो ऐसे वक्त में ऐसी मजलिसों की ज़रूरत होती है। जब समूमे कुफ्र से ये नस्ल मुरझाने लगती है, तब इन अंबिया के वारिसों को बुलाया जाता है, रुपया पैसा खर्चा किया जाता है। एक एक सेकंड आज की रात का बहुत कीमती है। और तकरीबन 11 बज गए, अब आप हजरात इत्मीनान के साथ बैठे रहे तो लाला सुना बच्चा, तो कुछ यहां से लेके जाएंगे और अल्लाह का कलाम ही उस बीमारी को दूर कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। हमें यहां के कन्वीनर ने, कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदार ने एक मजमून दिया था, मैं उसकी पूरी तैयारी नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल इस मैदान का गया गुजरा एक लतमरुआ पहलवान पहले से तो हूं ही, तो थोड़ा मोड़ा तो चलेगा ही। वो मजमून हमें यह दिया गया, मां बाप का हक औलाद पर क्या है, वही हमें बताना है। तो आप सुन लीजिए, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ये फैसला फरमा दिया। एक चीज होता है बयान करके चले जाना, और एक चीज होता है फैसला लिख करके, कलम तोड़ करके फैसला रख देना। आज भी दुनिया की अदालतों में जो मुकदमात का फैसला होता है, तो जज जो फैसला करता है, फैसला लिखने के बाद कलम तोड़ देता है। तो अल्लाह ताला ने यहां हुक्म नहीं दिया कि ईमान वालों ये मेरा हुक्म है, अल्लाह ने कहा मैंने फाइनल फैसला कर दिया। वो कज़ा रब्बुका, तेरे परवरदिगार ने, जमीन और आसमान के मालिक ने यह फैसला कर दिया है एकदम, अब कभी वैसी नहीं होनी है। अल्लाह ताबुदू इल्लाइया, ए दुनिया के इंसानों, तुम चाहे जहां जमीन पर रहो, ये फैसला मैंने कर दिया है कि हमारी ही इबादत करो। मालूम हुआ कि अल्लाह के सिवा इबादत करने के लायक कोई है ही नहीं, ये फैसला हो गया। अब जब अल्लाह के अलावा कोई इबादत करने के लायक नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। अब हमें जहां रहना है, इंसानों को जहां रहना है, वहां अल्लाह की इबादत करना। आप सारे जानवरों को देखो, हवाओं में उड़ने वाले पंख पखेरों को देखो, वो सुबह शाम अपनी डालियों पर चहचहाते हैं, बोलते हैं और अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह के अलावा किसी जीव, किसी जिन्नात, शैतान, देवी देवता, महान कानों राक्षस, किसी का कोई परिंदा नाम नहीं लेता है, सिर्फ अल्लाह की।
अल्लाह की किबरियाई। यसब्बहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, जमीन और आसमान में जितनी चीजें, जितने जानदार हैं, जितने पंख पखेरु हैं, जिड़ने उड़ने फुदकने वाले हैं, समुंदरों में जितने जानवर हैं, जमीन पे चलने वाले जितने जानवर हैं, कोई जानवर अल्लाह को छोड़ करके किसी दूसरे की इबादत नहीं करता, सजदा नहीं करता, हम्द बयान नहीं करता है, ये अल्लाह ने फैसला कर दिया है। अगर ये गुस्ताखी, अगर ये हरामकारी, अगर ये नालायकी, अगर ये नाअहली कोई करता है तो इंसान और जिन्नात ये दो नालायक है जो करते हैं, फरिश्ते भी नहीं करते। तो ये अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, इल्लाया जहां कहीं रहो अल्लाह की इबादत करो। चलो बात क्लियर हो गई कि इंसान जिन्नात जहां कहीं दुनिया में रहे अल्लाह की इबादत करें। उसके बाद कहा वो बिल वालिदैन एहसाना, अल्लाह की इबादत करने के बाद अपने मां बाप की सेवा करो, खिदमत करो, उनके साथ एहसान सुलूक करो, उनके साथ दुलार प्यार करो। किसके साथ? मां बाप के साथ। अभी जनाब बीवी का नंबर नहीं आया है, बेटी बेटे का नंबर नहीं आया है, अल्लाह ने कहा हमारी इबादत करो, ये हमने फैसला किया है। और दूसरा फैसला किया है कि अपने बूढ़े मां बाप के साथ प्यार करो, जहां कहीं रहो मां रोने न पाए, बाप बुढ़ापे में रोने न पाए, बाप तुम्हें देख करके खुश हो जाए। या हमारे बगल में हमारे शेख मोहतरम बैठे हैं, बहुत बड़े आलिम हैं हिंदुस्तान के, मौलाना अब्दुल कुद्दूस साहब, इनकी उम्र देख लीजिए, लोग पकड़ करके खड़ा करते हैं तो बेचारे कुछ। अब ये खिदमत की जरूरत है इनकी, और ये बुढ़ापा देर तक नहीं रहेगा, एक साल दो साल ज्यादा ज्यादा तीन साल, इससे ज्यादा देर तक माँ बाप अपनी औलाद से खिदमत नहीं लेते, बस दो तीन साल। और ये अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है उस बेटे का, ये समझ लो। अल्लाह ताला चाहे तो उस बूढ़े को मार डाले, कौन खिदमत है, लेकिन वो जांच रहा है नौजवान को कि देखे यह इसका क्या हाल है। वो तो अपनी जिंदगी और मंजिल तक पहुंच ही चुका, ये इम्तिहान है। काव बिल वालिदैन एहसाना, ए ईमान वालों तुम्हारे माँ बाप कभी रोने न पाए, तड़पे ना, अच्छा चीज खाने बिना तरसे ना, अपना चौराहे पे जाओ रसगुल्ला खाओ तो माँ बाप के लिए भी चार जेब में ले आओ, पकौड़ी खाओ तो दो ले आओ, कोई अच्छी चीज खाते हो चौराहों पे होटलों पे तो अम्मा अब्बा के लिए भी एक पाव भी ले, तरसे ना माँ बाप। अगर ईद बकरीद में कपड़ा सिलाते हो तो ये ना समझो कि माँ बाप बूढ़े हैं, पचास रुपया मीटर की लुंगी, हमारे यहाँ ये पोलिस्टर की लुंगी बापों को खरीद देते हैं कुछ लोग, कुछ ढील हो जाता बाने पर, और अपना मौलाना मदरासी, हाँ यहाँ ना साहब। आज मुसलमान जितना बेहिस और मुसलमान जितना गया गुजरा, खुदा की कसम दुनिया में कोई कौम हो तो उस कौम का नाम बताओ, हम इनाम देंगे आपको। यही नौगढ़ और तेतरी में हमने देखा है, मारवाड़ियों की औरतें
चार बजे नहला धुला करके अपनी पतोहों को लेकर के टहलाने जाती है। जब दूसरी औरत मिलती है तो पूछती है, दीदी ये कौन है? तो कहती है, ये मेरी बहू रानी है। उसके मुंह पे, ये मेरी बहू रानी है। और कोनो मुसलमान बूढ़ी से पूछो कि ई के अवतार पतोहिया, तो देखो मुंह काई ठिकट का मेरा ले जाती। खुदा की कसम कोई भी मुसलमान की औरत नहीं कहेगी अपनी पतोह को, ये मेरी बहू रानी है। क्या बात है, जब दुनिया की बेहतरीन कौम हम हैं, अल्लाह ने सबसे सुंदर हमें पैदा किया है। और कुरान में कहा, والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية। اے محمد الرسول اللہ, دنیا میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ اللہ نے کہا أولئك هم خير البرية, یہ خیر البریات ہیں مسلمان۔ اور مسلمان کا ہی حال ہے, یہ دوی پتوہ نہ رکھ پاؤ है। मुसलमानन में मोहनी चलत है, कोनो मौलवी मोहनी लिखे तो बिला तनख्वाह चाहे पढ़ावे स्कूल कहूं ना वैसे रुपया पाई, चार मोहनी लिख दे महीनम। इतना बिगड़ चुका है ये समाज मुसलमानों का कि थाना अदालत कोर्ट कचहरी चाहे जहां देखो ये सारा मामला भरा पड़ा है। वकील हंसते हैं कि ये क्या हो रहा है सब। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है, मुसलमानों, मर्दों, औरतों, जवानों, जहां कहीं दुनिया में रहो अल्लाह की इबादत करो, और अल्लाह की इबादत करने के बाद अपने माँ बाप की खिदमत करो, उन्हें खुश रखो, उन्हें बढ़िया कपड़ा पहनाओ, उन्हें अच्छा खाना खाने को दो। बुढ़ापे में ताकत कम हो जाए तो दूध में कुछ पीस के मिलाओ। एक साहब बयान करने लगे, उसका लड़का दुबई रह रहा था और बुढ़वा से उस पतोह का जमता नहीं था और जमना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि पतोह तो पतोह है, बिटिया तो है नहीं। तो उसने कहा कि घर में रात दिन खैहस कचाइन होत है, तो एक मुरहा मौलवी था, उसने कहा देखो बहनी, हम एक तरकीब बताए दी, ई 15 दिन में दुनिया से साफ हो जाई बुढ़वा। तो कहा बताओ, कहे बादाम 4 दाना, 4 दाना काजू और किशमिश पीस के दुईमान दूध में पका के 15 दिन पियाए दे, वही लागे साफ। अब वो बड़ी मुस्तैदी से पीस पीस पियावे लागे कि 15 दिन में मर जाए। आज अब वो 15 दिन बुढ़वा पीस, हाँ तो मने रंग आए गए, कही से मौलवी साहब ये तो तुहार दवाइया रिएक्शन कही गई, उल्टी हो गई। कहीं का करे, अब तो नहा लागा सबुनियों लगा लिया था, पहले वो कुछ नहीं कह पावता, अब और झगड़वा बढ़ाई। तो यही इस कौम की हालत है। कहा कि अपने माँ बाप को दुलार और प्यार से अपने घर में रखो, और अपनी बीवी को समझाओ कि मेरा बाप है तो तुम्हारा बाप है, मैं जितनी नेकी पाऊंगा उतना तुम भी पाओगी, ये तुम्हारी सास तुम्हारी माँ है। अगर ये तुम्हारी सास दुआ कर देगी कि अल्लाह हमारे बहू को दूध रोटी ना घटे, तो जिंदगी भर गरीबी नहीं आएगी, भले वो सास है। आज हमारी माए बहने, हमारी बेटियां अपने सास को अपनी माँ मान ले, और सास भी अपनी पतोह को अपनी बेटी मान ले, खुदा की कसम हमारा समाज बदल जाएगा
हम पहले जैसे मुसलमान हो जाएंगे, हमारे घरों में मोहब्बत बस जाएगी, शैतान भाग जाएगा, हमारे घर में बरकत पैदा हो बढ़ जाएगी और गरीबी भाग जाएगी, हम मोहताज नहीं रह जाएंगे। लेकिन हमारी हमारे समाज की पतोहें बहुएं अपनी सास को अपनी माँ मान लें, क्या परेशानी? पहले ऐसे ही था, एक पतोह बिना अपने सास का पैर दबाए सोती नहीं थी पहले, आज के 30 साल पहले हम लोगों के जवानी के वक्त की बात है। अब आजकल तो निसवां से पढ़ा करके लाओ कि ये आलिमा है, फाजला है, हफ्तों न छुए थे हैं, तो ये समाज बिगड़ रहा है, ये बेटे की जिम्मेदारी है। अल्लाह ने कहा वो बिल वालिदैन एहसाना, ए ईमान वालों, रब्बे हकीकी मैं हूं और रब्बे मजाजी तुम्हारा बाप है, तुम्हारी मां है, महतारी बाप, मजाजी रब है, मुरब्बी है और हकीकी अल्लाह है। मां बाप जो कहे कुल मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि अगर माँ बाप कहे कि शिर्क कर दे बेटा, कुफर कर दे, तो वहां इनकार कर दो। एक जगह है माँ बाप की नाफरमानी कर सकते हो, जब माँ बाप कुफर शिर्क करने को कहे, और अगर कुफर शिर्क करने को नहीं कह रहे हैं तो उनका कोई हुक्म नहीं टाल सकते हो, चाहे माँ हिंदू हो, चाहे पंजाबिन हो, चाहे वो बिहारिन हो, चाहे थरुइन हो, चाहे अपने मजहब की हो, चाहे दूसरे मजहब की हो, बाप ने राख लिया था, उसके पेट से हम जन्म गए थे, हम मुसलमान हैं, हमारी माँ मुसलमान हो या ना हो, वो हिंदू ही रहे, वो थरुई नहीं रहे, वो पहाड़ी नहीं रहे, लेकिन बेटे को जब तक जिंदा है वो दुनिया में, तब तक अपने महतारी अपने माँ बाप को खाना कपड़ा दवाई सारी चीजों की जिम्मेदारी बाप की है। अगर मैं कुछ गलत कहूंगा तो फौरन रोकिएगा। अगर बाप दारू पीता है, दारू पियक्कड़ है, चरसी है, भंगेड़ी है, समाज ने लतिया दिया है उसको, और तुम अगर मुसलमान हो तो तुम्हें कपड़ा लत्ता खाना पीना दवा इलाज देना है, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि ये ईमान वालों, माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की खिदमत करना तुम्हारे ऊपर फर्ज है, वाजिब है, किसी तरह से छुटकारा नहीं है। चाहे जैसे कुछ लोग कहते हैं माई बहुत झगड़ालू है, बात बात पर बप्पा गरियावत है, भलवल गरियावत है, अल्लाह ने पावर दिया है वो गाली देगा, सहको तो 70 मरतबा, गर्ज हो तो 100, सीधी सी बात भाई, जो बूढ़ा हो जाएगा अकल खराब हो जाएगी, खून का रफ्तार कम होगा, तो मुंह से जो चाहेगा वो करेगा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये मुसलमान ही की बात नहीं है, मेरा एक पड़ोसी आज भी मौजूद है मेरे घर, चलो दिखा दूं, उसके बाप को कुष्ठ रोग हो गया था, कोढ़ की बीमारी हो गई थी, उम्र ज्यादा हो गई थी 85 बरस, उसी वजह से उस लड़के ने ब्याह नहीं किया कि हमारे दादा की हमारे पिता की सेवा कोई नहीं करेगा, जब हमारा पिता दुनिया से चला जाएगा तब ब्याह करूंगा। वो हमेशा अपने बाप को नहलाता था, और मैंने सुना अपने कान से मां बहन की गाली वो बूढ़ा उस जवान बेटे को देता था, वो अतने कहता था का दादा पगला गईला, लोध बरादरी का था। लेकिन उस बच्चे ने अपने बूढ़े बाप को कभी भी नहीं कहा कि तू बीमार है, हरामी है, तू गलत बोलता है,
पांच साल से ज्यादा खिदमत किया, आखिर वो मर गया। मरने के बाद अब मई बम्बई नहीं कमा रहा था, सिर्फ भैंस जिलाए था दो और चार बीघा खेत। उस बूढ़े बाप की दुआओं ने इतनी बरकत उसके अंदर दिया कि उसका घर द्वार, खेती बाड़ी, इज्जत व आबरू दूर दराज तक दुनिया में फैल गई, सिर्फ उसके नाफरमान काफिर बाप की दुआ और आशीर्वाद से। मालूम यह हुआ कि माँ बाप की दुआ वाजिब और फर्ज है, लग जाएगी। अगर बाप ने, माँ ने रो करके कह दिया कि जा रे फलनवा, नोन रोटी तेरे तुझको नहीं जुड़ेगा, तो मैं अल्लाह की कसम खा करके इस मिंबर से कहता हूं, सारी जिंदगी वो गरीब मोहताज रहेगा, उसकी कभी भी गरीबी खत्म नहीं हो सकती। अगर माँ बाप, अल्लाह के बाद माँ बाप ही है, तौहीद और रिसालत के बाद माँ बाप, फिर दुनिया में कोई। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि कयामत जब करीब आएगी तो जो नौजवान पैदा होंगे मुसलमानों में, वह अक्का उम्मुहू वह अदना सदीकहू वह जफा अबा, ऐसे ऐसे नौजवान पैदा होंगे जो अपने मां को गाली देंगे, अपनी मां को तिरछी नजर से देखेंगे और अपने दोस्तों से यारी गांठेंगे, चौराहों पे ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, वह जफा अबा, और अपने बाप पर जुल्म करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे औलाद को देखा है जिन नौजवान बेटों ने अपने बापों के सामने खड़े होकर के कहा है कि हम में पाले खर्ती भी आ ना ही किए रहे हो, मजा मारे खर्ती किए रहे हो, ऐसा कहा जवानों ने। उस बाप को क्या बुढ़ापे में बीती होगी जब उसने ये कह दिया कि हमारे लिए भी आने किया था, तूने अपना काम करने के लिए किया था। ऐसी औलाद सरासर जहन्नमी है, ऐसी औलाद को दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी, ऐसी औलाद की कोई मुराद पूरी नहीं होगी और वो हमेशा हमें जहन्नम में जलता रहेगा जो माँ बाप का नाफरमान हो। एक सहाबी आए, कहा ए अल्लाह के रसूल, माँ बाप चाहे जवन करे, कहा कुफर शिर्क को छोड़ करके चाहे जवन करे, चाहे नमाज पढ़े चाहे ना पढ़े, तब वो खाना पानी दवा इलाज सारी जिम्मेदारी तुम्हारी, कपड़ा लत्ता सब तुम्हारी जिम्मेदारी, सरदार कौम में है तब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये नहीं है कि दूसरे जाति में है तो जाए तो भलभे से बाप रहा अब नाई है, और हमारे ऐसे वलमाए कराम भी हैं जो कहीं दबा थारू गोरू है कहा करे जाबे वे, ये तो अल्लाह ताला ईमान वाले कहे हैं। अल्लाह ने उनको कहा है कि काफिर माँ बाप भी उनकी दुआएं लो, उनकी खिदमत करो, और ये फैसला कर दिया है अल्लाह ने, अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम हज का फार्म भरे हो, हज फार्म पास हो गया है, लेकिन माँ बाप कह दे कि बेटा तू नहीं रहेगा तीन महीना, बुढ़ापे में मुझे बड़ा दुख होगा, मैं किसको देखूंगा। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया वो फार्म कैंसिल कर दे, हज ना करे, इसलिए कि उसके माँ बाप को दुख होगा और रोक रहे हैं वो। सुना, हज छोड़े, अगर इस्लाम और कुफर की जंग हो रही है, सबसे बड़ी इबादत शहादत है। अगर माँ बाप कह दे कि बेटे जंग में नहीं जाना है, भले मुसलमान कट मर जाए, तुम हमें छोड़ के न जाओ, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि वह जंग में ना जाए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा में लगा रहा है, ये इस्लाम ने कहा है। माँ बाप की नाफरमानी हो ही नहीं सकती है, और हमने नौगढ़ देखा, क्वार्टर लेकर के नकाब ओढ़ करके मुसलमान चौधरियों की
पतो हैं सब वहाँ अकेले रह रही हैं, कोई अपने बहन की लड़की अपने पास रखे है, कोई भाई का लड़का रखे है, और कोई मर्द नहीं है। मर्द दुबई है, कलकत्ता और सऊदी है, कहाँ कहाँ बाहर है, और वो जो मोबाइल उनके पास है अल्लाह अकबर, उसमें इतना नंबर फीड है मालूम होता है ये किसी कंपनी की वॉचमैन वैन है। ये किनारे से मारो सर्च करो तो निकलता चला जाता है, लिए है। उनसे पूछो घर कहाँ है, फलाने गांव, काहे यहाँ हो, बुढ़िया सुनाए पटत है, बुढ़वा सुनाए पटत है, बुढ़िया बुढ़वा नाय रह देते हैं, तो क्वार्टर कमरा लेके खुनगाई में लुम्बनी में तिनहुआ के चौराहे पर भाई बहन के किसी नाबालिग लड़के को लेकर के वहीं रहती हैं, और रुपया उनके खाते में अलग से आता। अगर आपको यकीन नहीं चलो मेरे साथ, मैं पूरा पता लगाया हूँ। तनख्वाह जो कर देते हैं चुपके से हवाले, तनख्वाह जो कर देते हैं चुपके से हवाले, बीवी के है वो दस्ते निगर एक बटा दो, ये शेर है एक बटा दो, मछेला मछेला आदमी का, वो मोछ रखे था तो मछेला लिखता था। है आज हम मुसलमानों का घर 80% बिगड़ गया है, और बिगाड़ने वाली यही पतोह है जो माँ से चुगली खा खा करके, बूढ़े बाप से चुगली खा खा करके, एक से एक लगा करके शौहर का जवान का दिल बिगाड़ दिया है, और वो अपने माँ बाप का नाफरमान हो गया। अगर हमारी मौत इसी हाल में हो गई, अगर हम ऐसे ही मर गए, अगर हम माँ बाप के फरमा बरदार नहीं रहे, माँ बाप हमसे राजी नहीं रहे, तो हमारी हमारा दुनिया में पैदा होना लानत, खत्म है ये इंसानी जिंदगी। हो गए फर्जंद अर्जुमंद बीवी के गुलाम, हो गए फर्जंद अर्जुमंद बीवी के गुलाम, एक भी मतबूए मादर का पता लगता नहीं। कहाँ चले गए वो लोग जो अपने माँ बाप को दिन में कई मर्तबा देखते थे। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, जो जवान अपनी माँ को बुढ़ापे में, अपने बाप को बुढ़ापे में हंस करके दुलार से ऐसे ताके आंख से, ऐसे आंखी से अपने बाप को देख है माई के, अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया एक हज मबरूर का सवाब, अल्लाह एक हज मबरूर का सवाब महतारी बाप को दुलार से ताके में है, एक गिलास पानी में, अल्लाह। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के रसूल अगर हज का सवाब मिलत है माँ बाप के दुलार से ताके में, तो कौनो मुसलमान नौजवान 100 दाई ताके, 100 मरतबा अपने माई बाप के बुढ़ापन ताके, तब तो आपने कहा 100 हज का सवाब। अल्लाह के बंदो, माँ बाप जैसी नियमत कहां पाओगे? अगर 100 मरतबा ताको तो दिन में 100 हज, 5 मरतबा ताको तो 5 हज, 3 मरतबा ताको तो 3 हज। वो माँ बाप है, खून पिलाया है, पाला है, पोसा है, और हमें देख करके आज बुढ़ापे में माँ बाप को ताकत नहीं होती, कुवत नहीं होती, डंडा लेकर के टेंगते और चलते हैं, लेकिन जब अपने जवान बेटे को देख लेते हैं कि पैसा कमाता है, सुन्नर है, अच्छा है, तो उनका हौसला जवान हो जाता है, हौसले में आ जाते हैं, और वो तेजी तेजी से चलने लगते हैं, उनके खून में गर्मी पैदा हो जाती है अपने बेटे की कुर्बानी देख करके, मोहब्बत देख करके, और जब बेटा घूर के आंख, तिरछी आंख करके ताकता है, ऐसे घर में आया, घुस गया, तरकारी सब्जी लेकर के बाप को देखा, वो सारम बैठा है, जुमा को नहाया ही नहीं है, जुमा को कपड़ा ही नहीं उसका साफ है, और ऐसे आ रहा है जा रहा है,
और साले ससुर और रिश्तेदार दोस्त आ रहे हैं, सबका खाना बन रहा है, सब मजा ले रहे हैं, और वो वही बेचारा बूढ़ा बैठा है। लानत है ऐसे घर पर, शैतान नाचता है ऐसे घर पर जहां माँ बाप की नकदी होती। आज इस कॉन्फ्रेंस में, ये कॉन्फ्रेंस दावत हक कॉन्फ्रेंस है, हक की दावत आज यहां से दी जाएगी। इसलिए यहां वादा करके उठो कि अपने जिसके माँ बाप दुनिया में जिंदा है वो आज की तारीख से अपने माँ बाप को नाराज नहीं करेगा। एक साहबी रोने लगे, कहा अल्लाह के रसूल, ना हमारे माँ ही जिंदा है ना हमारा बाप ही जिंदा है। मैं बड़ा बदनसीब था, मैं बचपने में था, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, ना मेरे माँ है ना मेरे बाप है, मैं जन्नत कैसे पाऊं, मैं कैसे जन्नत पाऊं, मेरी जन्नत तो चली गई। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि तेरी मां नहीं है, कहा नहीं, कहा बाप भी नहीं है, कहा नहीं, कहा मौसी है, मौसी खाला, तेरे अम्मी की बहन, कहा मौसी है, कहा जा वही तेरी मां है, तेरी मां की अदमे मौजूदगी में मौसी मां है। ईद बकरीद को अपना कपड़ा सिलाना, मौसी को भी सिला देना, चप्पल अपना खरीदना उसको भी खिला देना। अगर मौसियाउत भाई नालायक हो, अगर मौसियाउत भाई मौसी की खिदमत ना करते हो, अगर मौसियाउत भाई कमीना हो, तो ऐसी औलाद को चाहिए कि अपने मौसी की खिदमत करे, वही उसकी माँ है, मौसी की दुआ माँ की तरह कबूल की जाएगी। काम मौसी ही उसकी माँ है, और मौसी की खिदमत अगर वो करेगा तो गोया कि अपनी माँ की खिदमत कर रहा है। और मौसी जब दुआ दे देगी तो अल्लाह ताला माँ के दुआ की तरह से उस औलाद के हक में मौसी की दुआ कबूल करेगा। आपने बयान फरमाया माँ बाप की नाफरमान औलाद जहन्नम में, जन्नत में नहीं जा सकती है, वह जहन्नम में रहेगी, यह आपने बयान फरमाया। और बयान तो फरमाया और मेराज की रात में आंख से देख भी लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को मेराज के लिए बुलाया, सातों आसमान की सैर कराई, जन्नत दिखाया, जहन्नम दिखाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में गए, जहन्नम का मुशाहिदा कर रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम पीछे पीछे। अल्लाह के रसूल जो नई चीज देखते हैं तो कहते हैं मा हाजा या जिब्रीलो, ये जिब्रील ये क्या है। जिब्रील अलैहिस्सलाम तफसील बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ये है, ये है, ये है। एक जगह जहन्नम में गए तो बड़े सुंदर सुंदर जवान थे, बूढ़ नहीं थे, और वो लोग नीचे से जहन्नम से आग निकलती थी, जहन्नम के कुएं से आग निकलती थी, वो जवान नंगे आग की लवर के साथ, आग के शोले के साथ जहन्नम के ऊपर आते थे, फिर वो आग नीचे चली जाती थी तो गिर पड़ते थे जहन्नम के अंगारों पर, चिल्लाते थे, चीखते थे, और उनकी खाले जल जाती थी, ये चमड़ी जल जाती थी, फिर दूसरी चमड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से उनके ऊपर चढ़ जाती थी, जम जाती थी, फिर जलते थे, फिर चीखते थे, फिर चिल्लाते थे और अपने सीने को नोचते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा है जिब्रील इनका क्या जुर्म है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहा अल्लाह के रसूल
ये इसी हाल में मर गए थे दुनिया में, ये अपने माँ बाप से माफी नहीं मांगे थे, अपने माँ बाप की खिदमत नहीं किए थे, ऐसे ही रांधे रहे और उसी हाल में इनकी रूह निकल गई। तो माँ बाप मजाजी रब है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं हो सकती है। आज मुसलमानों के समाज में जब से ये बुराइयां आई हैं, तब से खुदा की कसम ये समाज एकदम आवारा हो गया। अभी मैं स्टेज पे बैठा हूं, मौलाना अब्दुल रहीम साहब मौजूद है और बूढ़े उलमा मौजूद है, बूढ़े लोग मौजूद है, हम में कोई आदमी अपनी बीवी देखने नहीं गया था। महतारी बाप जलसा में गए, जलसा सुने, वही औरतों ने लड़कियों से दिखा, बहनी हमारी बिटिया है, हमारे बेटवा, वही जलसा में बात हो गया, ब्याह फिट हो गया। क्या गलत कह रहा हूं क्या? जलसम ब्याह फिट हो रहा। आज माँ बाप चाहे जितना पसंद कर ले, लेकिन इस जमाने का नौजवान कहता पहले मैं अपने आंख से देखूंगा। बोलो, और मौलवी लोग भी उसी तरह से कहा, हाँ हाँ एक नजर जायज है, हाँ हाँ कहते हैं कि यार ये नजर देख सकता है कौन अजनाया। अल्लाह आवत है मिस्काल से हदीस। अरे भाई लय आओ, ठीक है हम कहा कहते हैं कि गलत है, लेकिन बात तेरे माँ बाप को जो चीज पसंद आ गई तो तुझे पसंद क्यों नहीं आती है? माँ बाप को जो चीज पसंद आ गई तुझे पसंद क्यों नहीं आती? तो हम लोगों की शादियां हमारे माँ बाप ने पसंद किया था, मौसी ने पसंद किया था, बुआ ने पसंद किया था, आज तक कोई बिगाड़ नहीं हुआ। और जो तुम पसंद करते हो, जो मोबाइल में देख देख करके ब्याह से पहले फोन करते रहते हो मंगेतर से साल साल भर, वो तो एकदम बिगड़ता चला जा रहा है और सारा रवाज बिगड़ गया है। इसमें साहब हम माम में नंगे हैं, ना आलिम ना वकील ना बैरिस्टर ना महतो ना जमींदार ना किसान ना कोई नीची जात का, हर कोई इसमें बराबर है। ब्याह एक बात है, फोन नंबर कान के से पहुंच गए, अब ये ब्याह हो ही कैंसिल हो ही का हो ही बात चालू है, है? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, मेरी बेटियों, मैं तुम्हें एक वाकया छोटा सा सुनाता हूं दो मिनट का। इमाम असमई एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, लेकिन उनका कमाल इल्मे अनसाब में था, इल्मुल अनसाब के बड़े माहिर थे। वैसे और भी सारा इल्म था उनको, लेकिन इल्मुल अनसाब में इमाम असमई जाने माने आलिम है। इमाम असमई कहते हैं कि बुर्का पहन करके एक लड़की जा रही थी रास्ते से, और एक काला कलूटा हबशी जिसके होठ मोटे मोटे थे, बाल तार की तरह थे, तावक पेनी की तरह मुंह था, वो आगे लेकर के जा रहा था। इमाम असमई कहते हैं रास्ता पैदल चलते चलते जब वो एक पेड़ के नीचे हम लोग छहाने लगे, सुस्ताने लगे, तो उन दोनों नौजवानों ने कहा सलाम अलैकुम मौलाना साहब, इमाम साहब सलाम अलैकुम। लड़के ने भी कहा, लड़की ने भी कहा, तो इमाम साहब कहते हैं कि बेटा हमको पहचानते हो कि मैं मौलाना हूं, इमाम हूं? कहा हां। आप असमई साहब नहीं हैं? कहा हां हां बेटा मैं ही असमई हूं। लेकिन तुम कैसे जानती हो? कहा आप हमारे घर में हमारे अब्बा की दावत पर तकरीर करने आए थे हमारे गांव में, और खाना मैंने बनाया था आपका, आपकी तकरीर गांव में हुई थी, हम लोगों ने सुना था, तो आज आपको देखा तो पहचानेंगे नहीं। तो कहा अच्छा तुम्हारे अब्बा का क्या नाम है? तो उसने अपने अब्बा का नाम बताया। कहा हाँ हाँ बेटा मैं वहां उस गांव में गया हूं, तुम उनकी बेटी हो?
कहा हाँ मौली साहब हम उनकी बेटी हैं। कहा ये तुम्हारे साथ जो हबशी है जंजी काफूर ईके हुए। तो उसने मुस्करा करके लजा करके कहा मौलाना साहब ये हमारे शौहर हैं हमारे हस्बैंड हैं। कहा रे तू और ये है पहलवे हूर में लंगूर खुदा के कुदरत और जाग की चोच में अंगूर खुदा के कुदरत। तू इतनी गोरी चिट्टी इतनी साफ और शफाफ इतनी हसीनो जमील और ये आदमी इतना काला कलोटा ये आदमी पसंद कैसे आया तुझको तू इसके साथ रह कैसे रही है। लड़की मुस्करा के बोली कहा हजरत आप बूढ़े आलिम हैं आप बच्चियों के भी बाप हैं बच्चों के भी बाप हैं और आप पर भी जवानी गुजरी है आज आप बूढ़े हो गए हैं आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मैं जितनी सुंदर हूं ये उतने ही मकरूह है लेकिन क्या करूं क्या करूं ये हमारे बाप को पसंद आ गए ये मुझे पसंद नहीं थे और आजो नहीं है लेकिन मेरे बप्पा को पसंद थे। तो कहा तुम्हारे बाप को क्या चीज पसंद आई। कहा ये हमारे बाप के साथ तहज्जुद की नमाज 2 महीना पढ़ा वह हमारे अब्बा वही आशिक हो गए। कहा अपन बिटिया यही करम तब वैसे कर लिए। तो मैं अपने बाप के पसंद को अपनी पसंद पर गालिब करना चाह रही हूं अपने पसंद को अपने बाप के पसंद के ऊपर नहीं ले जाना चाहती। वो औरत थी है ऐसी आज हमारी बेटियां ऐसी हैं। आज हम भले आलिम हैं डॉक्टर हैं मास्टर हैं हर बाप हर माँ चाहती है कि हमारा दामाद हमारी बेटी अच्छे घर रहे दीनदार घर रहे शिर्क कुफर ना करे बेपर्दगी बेहयाई ना करे हर बाप चाहता है। लेकिन ये नौजवान बच्चे जिन्हें कोई तजर्बा नहीं होता है ये बेहूदे खाल देख करके कहा था नहीं राखक है हम में कि तू है लीजिए साहब। तो आज जो हमारे समाज में बुराई आई वो इसीलिए आई। तो मैं ये कह रहा था कि इमाम असमई ने पूछा कि बेटी इम हाथ तो है। कहा इमाम साहब डांटी दी तो रतिया भर खड़ा रही हा निरहु है पेवर पेवर इतना फरमा बरदार है मेरा कि जो कहूं वो मानता है और इतने नहीं 2 रिकात नफिल भी कभी कभी पढ़ते हैं ये और कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने इतनी सुन्नत मेहराजू हमको दे दिया शुक्राना नमाज पढ़ता ही कालिया। और मैं सब्र कर रही हूं इसको देख करके कि मेरा मन नहीं लगता है लेकिन बप्पा को पसंद था तो मैं सब्र करती हूं और ये शुक्र करता है तो सब्र का बदला भी जन्नत है और शुक्र का बदला भी जन्नत है इहो जन्नती है हमहू जन्नती है। दलील दिया उसने कहा सब्र का बदला भी जन्नत है और शुक्र का बदला भी जन्नत है तो इंशाअल्लाह हम दोनों जोड़े जन्नत में भी जाएंगे और दुनिया में भी बहुत प्यार और मोहब्बत से रहेंगे हमारे अब्बा को पसंद थे हमें पसंद है। बोलो आज इस इतने बड़े समाज में कौन होनहार नौजवान है जो कह दे कि अम्मा तू है जो उन पसंद है हमें पसंद है बप्पा तू है जो उन पसंद है हमें पसंद है हम उसको 2 बारा 3 बारा नहीं देखने जाएंगे हम अपने समाज में ऐब नहीं लगाएंगे हम ये रंग रूप नहीं देखेंगे हम सीरत देखेंगे हम तकवा और परहेजगारी देखेंगे। और हम अगर हम सब यही कर ले आज ये समाज क्यों बिगड़ गया है जानते हो। अंग्रेज हमसे ज्यादा चालाक थे पहले भी आज भी
जब उन लोगों ने हुस्न परस्ती अपनाई तो कई करोड़ काली लड़कियों को कोई अमेरिका बर्तानिया में पूछता नहीं था, जो नाटी थी, काली थी, भद्दी थी, कोई नहीं पूछता था। तो उन्हें वो सेक्स फ्री कर दिया उन लोगों ने। अगर हम मुसलमानों ने भी काली औरतों को छाटा, लूली लंगड़ी औरतों को छाटा और रंग रूप को छाटा, तो अगर 10 लाख लड़कियां हमारी बिना मर्द के रह जाएंगी समाज में, तो वो थारा कहां जाएगा, कैसे रुकेगा, कौन उस हया को रोकेगा, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब बादशाह हुए, जब खलीफा हुए, तो आपने कानून बनाया था। जानते हो कानून क्या था? अल्लाह के रसूल जिंदा थे, मुसलमान गोरी गोरी यहूदियों की लड़कियों से ब्याह करते थे, ईसाइयों की लड़कियों से ब्याह करते थे, अल्लाह के रसूल कुछ नहीं बोलते थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना आया, वो सुंदर सुंदर यहूदी औरतें, ईसाई लड़कियां मुसलमान बिश बिश के ब्याह करते थे। अबू बकर कुछ नहीं बोलते थे। जब हजरत उमर का जमाना आया तो एक सहाबी जिनका नाम याद करो, हुज़ैफा बिन यमान, हुज़ैफा बिन यमान ने एक अंग्रेज औरत से ब्याह किया, शादी किया। हजरत उमर को पता चला कि एक अंग्रेज औरत की सुंदरता देख करके शादी किया इस मुसलमान ने। हजरत उमर ने कहा, जाओ कह दो तिलाक दे दे, और कहीं मैं आ गया तो उसकी खाल खलिया करके, खींच करके भूसा भर दूंगा और ऐसे ही बालू में छोड़ दूंगा, सूख के मर जाएगा। अब लो पूरे मदीना मोहल्ला इलाका भर में, ओ फलनी मेहरारू अंग्रेज हो, ईसाई हो, यहूदीन हो, किबती हो, है अल्लाह के रसूल कुछ नहीं बोलते थे, अबू बकर कुछ नहीं बोलते थे, ये उमर को क्या हो गया है, ये उमर के बाप की शरीयत है जो घटावा बढ़ावा कर रहा है। भागे भागे बदरी सहाबी जो जिंदा थे, जो बदर में शरीक हुए थे, बदरी सहाबियों की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, वो जन्नती है। बदरी सहाबियों के पास मदीना में गए, कहा चलो वरना उमर हमारी खाल खींच लेगा। गए बदरी सहाबी इकट्ठा हुए अमीरुल मोमिनीन के पास, गए कहा अमीरुल मोमिनीन कि आप ऐसा अंधेर ना करो, अल्लाह के रसूल ने कुछ नहीं कहा, अबू बकर ने कुछ नहीं कहा, सब लोग ब्याह शादी करते रहे, अगर हुज़ैफा ने कर लिया, नेक आदमी है, तो आप कह रहे हो कि तिलाक दे नहीं तो उसके खाल को छोड़ा के भूसा भर दोगा। कहा तुम लोग सिफारिश में आए हो? कहा हाँ। कहा पहले तिलाक दिलवा के आओ वरना तुम्हारी भी खैरियत नहीं है। धारा पलट गया, कहीं भैया तिलाक दे नहीं तोरे साथे हम रहू। दिया तिलाक, बुलाया, काओ आए, तकरीर किया मस्जिद में और रोने लगे, आंसू गिर रहे थे और कह रहे थे कि ये ईमान वालों, अगर ये मुसलमानों की बेटियां जो सांवली हैं, जो कुरान पढ़ने वाली हैं, जो निसवा की डिग्री लेने वाली है, जो बुखारी मुस्लिम पढ़ने वाली है, जो रंग सांवला है, रंग काला है, होठ मोटा है, भद्दी है, मोटी है, नाटी है, अगर इन परहेजगार बहनों को, इन परहेजगार बेटियों को तुम हुस्नो जमाल के तहत छोड़ दोगे तो इनका अंजाम क्या होगा, क्या होगा? कानून बनाया था, एक सांवली मोमिना
एक दौरे हाजिर के ईश्वरिया राय और हुस्ने आलम आरा से हजार दर्जा बेहतर है। जो एक सावली बच्ची हो लेकिन अंपारा जबानी याद हो नमाज पढ़ती। उलमाए किराम, हम लोग जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा अंजाम वही होगा जो इजराइल वाले फलस्तीन में कर रहे हैं। कोई गुहार दुनिया से नहीं आएगी। अल्लाह ने कुरान में कहा फमा बकत अलैहिमुस समाउ वल अर्ज़, उनके ऊपर न जमीन रोई न आसमान रोया। तो जमीन आसमान के कहूं आंसू है? नहीं। जमीन से मुराद अहले जमीन और आसमान से मुराद अहले आसमान फरिश्ते। उन पर जमीन और आसमान नहीं रोए जब वो मारे गए धसाए गए। आज हमारी वो बेटियां जिन्हें हमें 10-10 जगह दिखाना पड़ता है थोड़ा सांवला होने की, मोटी होने की वजह से, भद्दी होने की वजह से हाफिज़े कुरान हम बना देते हैं, फिर भी कोई तैयार नहीं होता है। जब एक बीघा खेत बेच करके दो, अम्मई बम्बई से उधार बाढ़ी 4-6 लाख और दे दो तो कहीं जा करके कोई तैयार हो जाता। हमसे 2-3 लोग कहे अरे आप जलसन जात हो तो एक मेरे साथ परहेजगार लड़का हेर दो बिटेवा पढ़ाए हन। तो हेरन कहीं नहीं मिल साहब ही पूर्वा में से आ रहे, 5 लाख देते रहे हम कुछ बोलन नहीं। बाकी अब जब आप आई गए हो तो बहरहाल अब आपका तो लजिया रख ही पड़ी तो हम कहें जरूर है तू हमारे नाते 20,000 तो कमे कर बोला। कहाँ हाँ 2500 कह दे, 5000 कह दे, समझे? पूर्वा वाले जो दियत रहे ओमा वो 25-50 हमारे सिफारिश पर कम करी तब भी हवा करी। मुसलमान अहले हदीस हाजी नमाजी आज ये हाल है। तो जब सांचा ही खराब है तो चाहे जितना ईंटा पात हो कुल टेढ़ा पैदा होगा। इसलिए सबकी औलाद, मौलवियों की भी औलाद गाली देती है मौलवियों को, हाजियों की भी नमाज गाली की औलाद गाली देती है। सब के सब एक ही हमाम में। बाद खानदान बरदमियों के जमींदारों के ऐसे भी हैं जो आड़े आड़े दारू भी पीते हैं और दारू पीते पकड़े भी जाते हैं। इलाके में हल्ला भी हो जाता है कि फलाना का लड़का हाजी साहब का लड़का मौलवी का लड़का दारू पीता है। सब बिगड़ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि हमने यह फैसला कर दिया है कि तुम दुनिया में जहाँ कहीं रहो हमारी इबादत करो और हमारी इबादत करने के बाद अपने माँ बाप को दुलार और प्यार से अपने पास रखो, उन्हें बढ़िया खाना खिलाओ अपना खराब खाओ, उन्हें अच्छा कपड़ा पहनाओ अपना खराब पहनो, उन्हें दोहरा जानो अपना ये कहरा समझो। ये माँ बाप का दर्जा है। माँ बाप का नाफरमान जहन्नमी है। माँ बाप की खिदमत फर्ज है। माँ बाप जो कहे वो कहना वाजिब है सिवाय शिर्क के। आप माँ कितनी ही बड़ी नंगीन हो, रोज 4 गाली पतोहों को देती हो लेकिन बेटे के लिए दुरुस्त नहीं है कि वो ये भी कह दे कि अम्मा का है गरियावत। ये पावर है। और बाप इन्हीं बच्चों की गरीबी की वजह से बेचारा अपना मुल्क घर द्वार छोड़ करके बम्बई झल्ली ढोने जाता है और चिलचिलाती हुई धूप में सऊदी या दुबई जाता है, रोता हुआ जाता है कि पता नहीं कितने लोग गांव के मर जाएंगे, माटी देने को पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। रोता जाता है 2-3 साल पर आता है उन्हीं औलादों के लिए। वहीं से कमा करके जो पाता है अपना पेट काट करके भेज देता है। यहाँ मुर्गी रोज मुर्गी की फराई चलत है और नेपाल में तो गोश्त बहुत सस्ता अल्लाह ने कर दिया है। 1 जून न 2 दिन पर तो 3रे दिन गोश्त बनता है। सब पैसा वही है, खा रहे हैं, बदन में गर्मी हो रही है, ताकतवर है, बाप कमा कमा के भेज रहा है। जवानी भर गधे की तरह ढोया बाप ने और बुढ़ापे पर वही औलाद उसके सामने खड़ी हो जाती है, कहती है चुप रहो तू, क्या रह गया, मर गया वो जीते जी। अनवर जलालपुरी ने एक तर्जमानी की है, अपने छोटे छोटे बच्चों को चुम्मा लेकर बोसा लेकर के
जा रहा था जहाज पकड़ने, तो उसकी बीवी ने कहा मैं भी चलूंगी। माँ ने कहा बेटा मेरे लाल मैं भी तुझे छोड़ने चलूंगी। बाप ने कहा जब इन्हरे जाती हम हूँ चली बाबू वही जीपिया में। कहा चलो बप्पा। गए गोरखपुर पहुंच गए, ट्रेन आ गई, स्टेशन पर खड़े हैं। माँ की आंखों में आंसू है, बाप की आंखों में आंसू है कि मेरा लाडला जा रहा है, पता नहीं मुझे माटी देने को पाएगा कि नहीं पाएगा, इसे देख पाऊंगी कि पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। माँ भी रो रही है, जा चला जा, पता नहीं अल्लाह क्या लिखे होगा। उसकी बीवी, उसने थोड़ा इशारा किया, कहती भा बगले आओ अपने माई बप्पा से, हम हूँ दुई बात बतवा ली। बगल गई तो उसके कंधे पे सर रखा और नकाब ऊपर रखा, कान में कुछ कहने लगी। तब तक ट्रेन ने सीटी दिया कि पैसेंजर लोग गाड़ी में सवार हो, चल रही है। अनवर ने तर्जमानी की है, हटो कांधे से आंसू पोछ डालो। वो लड़का कहता है हटो कांधे से आंसू पोछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, और तुम्हें मैं छोड़ के हरगिज न जाता, गरीबी मुझको लेकर जा रही है। मेरी बीवी ये मुहताजी और गरीबी मुझको तुझसे जुदा कर रही है, और न मैं तुझे छोड़ के कभी नहीं जाता। वो चला गया, न जाने कैसी कैसी रातें उसकी गुजर रही थी, अकेला था, वहरान था, रातें बेनींद की गुजर रही थी, अपनी आल औलाद के सोच में पड़ा था, बेटा बीमार है, पता नहीं क्या हुआ, डॉक्टर कितना पैसा लिया, पैसा है कि नहीं है। वही अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह हिफाजत करना। आता है जब बुढ़ापे में घर, तब बेटा जवान हो जाता है, ब्याह कर देता है कि अब हमारा बेटा कमाए खिलाएगा, हम अब आराम से इबादत करेंगे, सबका खैरात करेंगे। का पता चला कि एक रोज चाहो पिए 5 रुपया नहीं देते हैं, और बाट के बगले खोली कर लिया है। लानत है अल्लाह की कसम, ऐसी औलाद जन्नत में नहीं जा सकती है। बाप बांट ले वही, अतु गोश छौको राती गए, और आलू तरकारी वही बुढ़ापा खाता है, है? अगर उसकी बेटियां आ गई, खुदा की कसम ये भाई त्योहारी नहीं देते हैं अपनी बहनों को। बुढ़वा रोता है कि बेटी वक्त त्योहारी 8 से ही चाउर पहुंच जाए, 2 किलो चीनी कोनो दे दे कुछ। ये मुसलमान की अक्सरियत इसमें मुलविस है। इसलिए मेरे बुजुर्गो और दोस्तों, मेरी माँ और बहनों और मेरी बेटियों, आज के इस हक कॉन्फ्रेंस में ये वादा करके उठो कि जब तक जिंदा रहोगी दुनिया में, जब तक जिंदा रहोगे दुनिया में, कभी भी माँ बाप की नाफरमानी नहीं करोगे। माँ बाप चाहे जितना गाली दे, गाली सहते चले जाओ, कोई जवाब नहीं है उनका, गाली देने दो। और अगर माँ बाप ने बद्दुआ दे दिया, तो खुदा की कसम वो बद्दुआ लग के रहेगी, और उसमें कोई दो राय नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि माँ बाप की नाफरमान जहन्नम में जाएगी औलाद, और दयूस जहन्नम में जाएगा। दयूस, दयूस जान धोखे का कहा था, दयूसों का कहा था कि अपने बहन बिटिया और रिश्तेदार की औरतों को दूसरों से बातचीत करते देखे और बुरा ना लागे रोके ना, वो दयूस हो। या अपनी बीवी से रात में जो बातचीत किया था, उसे दोस्तों से जाकर के बता दिया कि आज करे अम्मा खबे कहें तो वैसे कही तो वैसे कही हलाल हराम को, वो दयूस हो। हमारे 2 मिनट वक्त दे दीजिए।
हमारे हिंदुस्तान के और जमाते अहले हदीस की रीढ़ की हड्डी नवाब सिद्दीक हसन खां साहब भोपाली रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं। वो गरीब थे, मौलवी गरीब ही होता है। आज जो मौलवियों को बेइज्जत कर रहे हैं लोग, क्यों काहे करते जानते हो? कुछ चन्ना मांगल सबका खैरात मदरसन खात है, आपन तो पैसा लगावत नहीं है। गरीब घर के होते हैं तो अब गांव का दौलतमंद आदमी के सामने वो क्या बोलेगा यार, जो सबका खैरात खा के जी आए। तो नवाब साहब वह मेरे मौलवी रहे, लेकिन बहुत भारी मौलवी थे। तो वहां का जो नवाब था भोपाल का, उसका इंतकाल हो गया, नवाबा मुसम्मात हो गई जवानी में। तो देखा कि दूसरा मर्द कहीं अच्छा मिले तो ब्याह कर ले। तो लोगों ने कहा सबसे बड़ा भारत में इस वक्त दिमाग का, जहन और इल्म का एक आदमी मौजूद है, उसका सिद्दीक हसन नाम है, बाकी बड़ा गरीब है। कहा तो मेरे पास तो दौलत है, मैं नवाब हूं, मेरा जो मर्द हो जाएगा तो कुल हुकूमत है उसकी हो जाएगी। ब्याह कर लिया, हो गया। अब भला नवाबा औरत के सामने एक फकीर मौलवी हुक्म दे पाएगा? कुछ नहीं। तो नवाबा चाहती थी कि शाम के वक्त नहा धो करके, बाल वोल संवार करके, जुल्फे खोल करके, काकुल गुड़ा करके, गुलगुनों से सज करके भोपाल को टहले, और नवाब साहब वही बैठा रहे बगल में, उनके जुल्फ लटका रहे घूम। नवाब साहब जानते थे कि दादा मैं तो दयूस हो गया, जहन्नमी हो गया, लेकिन कहीं तो कैसे कही, कैसे कहूं? तो अपने शागिर्दों से कहा कि बेटा यह हदीस जो मैं बयान कर रहा हूं तुम्हारे भाषा में, कहा यह हदीस जब हम चौराहा पहुंचब लुम्बनी के, तो यह हमसे आए पूछे कि मौलाना साहब एकर मतलब का होता है। चौराहा पहुंचा जब टागा, नवाबा भी बैठी थी, नवाब साहब भी बैठे थे, तो उस लड़के ने कहा हुजूर बड़ी मेहनत कर रहा था लेकिन इस हदीस का तर्जुमा नहीं समझ पा रहा हूं। कहा क्या है बेटा? कहा ये दयूस माने का होता है। कहा पागल, दयूस नहीं जानते? कहा नहीं। कहा दयूस मैं हूं, हम देख ले। कहा हुजूर आप दयूस हैं? कहा हां। कहा कैसे? कहा देखो अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जो अपने बहन को, बेटी को, बीवी को, मौसियाउत बहनों को, ममेरी और पटीदार की बेटियों को, सगे संबंधी लोगों को, की औरतों को दुनिया में सबके सामने दिखाए, अर्दा पर्दा ना करें और सबसे बातचीत कराए, वही दयूस है, और दयूस जन्नत में कभी भी नहीं जाएगा। तो मैं दयूस हूं। नवाबा ने वही पर्दा किया और फिर पूरी जिंदगी कभी भी टागे पर बेनकाब होकर के नहीं गई। तो दयूस जहन्नम में जाएगा, माँ बाप का नाफरमान जहन्नम में जाएगा, इनके लिए बख्शिश नहीं हो सकती है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों, मेरी माँ और बहनों और मेरी प्यारी बेटियों, मेरी तकरीर का वक्त खत्म हो गया है। मैं यहाँ से तुम्हें यह नसीहत कर रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ कि जितने मर्द औरत यहाँ मौजूद हैं, पढ़े लिखे अनपढ़ गवार, अपने माँ बाप को कभी नाराज ना करना। माँ बाप चाहे कितनी ही गाली दे, सहते रहना, अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल होगी। अल्लाह तू हमें पक्का सच्चा रास्तबाज मुसलमान बना और हमें माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम।